कैसे लग रही है आपकी भाई? नेक्स्ट लेवल का भाई ऐसा वाला जो कलर कॉम्बिनेशन हुआ, आई थिंक हमारे J&K में फर्स्ट पहली बार हुआ है। मैंने तो किसी ना किसी वीडियो पे देखा ना सोचा हुआ था। तो भैया आए कहाँ से भैया? मैं भैया नोएडा से आया हूँ, खाटी से। और मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, तो उनको देखकर मेरे दिल में भी एक इच्छा आई कि मैं भी अपनी बाइक को रोमी भाई के हाथों से मॉडिफाई वगैरह ही रहती। इसकी लुक अभी एकदम बिल्कुल स्ट्रांग लुक है जो एकदम बाइक की। भैया स्पेशल भाई हमारे पास, भाई भैया भैया हमारे पास डोडा से आया भाई अपनी बाइक के ऊपर रैप करवाने के लिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस मैं आपका अपना रोमी मॉडिफायर। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई हो बड़ी है तो बड़ी होनी भी चाहिए। सो गाइस आज की जो मॉडिफिकेशन होने वाली है आर्मर वर्जन 4 के ऊपर जो फुल बॉडी रैप है तो भाई वो करने वाले हैं। तो गाइस अभी दिखाते हैं भाई डोडा से है भाई अपने बाइक के ऊपर रैप करवाने के लिए। तो अभी भैया बैठे हैं भाई अंदर, तो यहाँ भैया देख रहे हैं ये हमारे भैया बाइक के ओनर है। तो भैया आए कहाँ से भैया आप? मैं भैया डोडा से आया हूँ, खाटी से। अच्छा, और मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे, तो उनको देखकर मेरे दिल में भी ये इच्छा आई कि मैं भी अपनी बाइक को रोमी भाई के हाथों से मॉडिफाई वगैरह ये रैपिंग करवाऊं। तो अभी टाइम वेस्ट करते हैं भाई, अभी फटाफट चलते हैं ना जो बाइक का जो रैपिंग वाला वर्क है भाई वो स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं बस सीधा बाइक पे। तो गाइस अभी यहाँ पर देख लो जितने भी इसके बॉडी पर इसके पूरी बाइक को भाई पूरा नेकेड वगैरह कर दिया। गाइस इसकी लुक देख रहे हैं, एक दिन की स्टॉक लुक थी। तो गाइस अभी यहाँ पर देख लो इसका इस कलर का जो रैप है भाई वो होने वाला है। तो भाई इसको आर्मी जो जो रैप आता है जो नेवी ब्लू भाई वो उसके ऊपर रैप होने वाला है भाई, देख रहे हो। बाकी ये भी टैंक वो उसके ऊपर जो रैप है मैं करने वाला हूँ। बाकी इसके रैप की जो लुक है ना मैं देखना उसकी लुक कैसे लग रही है, वो खतरनाक इसके ऊपर जो रैप है बाकी वो होने वाला है। बाकी इसके जितने भी सारे बॉडी पैनल्स है हिसाब से हमने खोल के रखे हुए यहाँ पे, देख रहे हो भाई जितने पैनल सारे यहाँ खोल के रखे हुए हैं। कुछ भाई देख लो फुल मेहनत यहाँ पे लगे पड़े हुए हैं। और हमारे डोडा वाले भाई यहाँ पे देख रहे हो, डोडा वाले भैया थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लो जो नेवी ब्लू कलर का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे भाई एकदम बिल्कुल खतरनाक इसको किया हुआ है। बाकी ये लुक चेक कर लो, देख रहे हो भाई एकदम बिल्कुल ग्लॉस एंड ग्लॉस इसकी लुक है बाकी वो आ रही है। थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लो जो दूसरी साइड का पहनना है यहाँ पे देख रहे हो भाई जो ये वाला जो है। और भाई क्या हाल है छोटे से वाला कैसे? ये हमारा छोटे छोटे सब्सक्राइबर है अपनी जो साइकिल का जितने मॉडिफिकेशन है सारी यहाँ पर लगाते हैं वो देखो उन्होंने साइकिल लगाया हुआ सामने, क्या लग रहा है? थोड़ा सा भी यहाँ पे देख लो जो दूसरी साइड का पहनना भाई ये भी पूरा रैप कर दिया हुआ है। गैस क्या ही खतरनाक लग रही है बाइक वह। वैसे ही इसके जितने बॉडी का जितना भी रैप सारा कर देंगे तो कैसे इसके बीच में जो डिफरेंट कलर का भाई एक और कलर जो शेड है भाई वो इसमें इसके बीच में वो नया वाला कलर है जो फिर इसमें जो फिल होने वाला है। तो भाई देखते हैं कौन सा कलर इसके जो सेलेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जितना भी रैप है वो सारा सेट करेंगे। तो कैसे यहाँ पर टैंक का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर चेक कर लो भाई, देख रहे हो भाई जो नेवी ब्लू और जो लाइट जो येलो कलर जो कॉम्बिनेशन है भाई पूरे वो खतरनाक लग रहा है। तो भाई दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एकदम अलग नेक्स्ट लेवल है। हमारे J&K में फर्स्ट टाइम पहली बार इस टाइप का जो कलर कॉम्बिनेशन है फर्स्ट टाइम पहली बार हो रहा है आर्मर भाई वर्जन 4 के ऊपर। तो फिलहाल अभी अंकुश भाई यहाँ देखें फिलहाल जोरों शोरों से जो अपना काम है बाकी वो चल रहा है। बाकी टैंक की जो फिनिशिंग है बल्कि आउटस्टैंडिंग इसकी लुक है भाई वो लग रही है। तो गाइस इसका जो बैक वाला पैनल है यहाँ पर देख रहे हो भाई जो एक साइड का जो पीछे वाला बैक पैनल है भाई इसके ऊपर जो रैप है भाई पूरा लगा रही हूँ, क्या देख रहे हो क्या खतरनाक लुक लग रही है इसकी। तो गाइस इसका जो दूसरे साइड का जो पैनल है उसको भी सेम कलर का जो जो रैप हमारा वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो कुछ कुछ बाइक इस तरह से लग रही है अभी फिलहाल। इसको रेप हमने जो ये वाला रैप हमने इसके ऊपर पेस्टिंग वगैरह नहीं किया हुआ है फिलहाल, इसके ऊपर जो लुक कुछ इस तरह से ही आ रही है, देख रहे हो भाई भाई क्या ही खतरनाक लगेगी। तो गाइस अब टाइम वेस्ट करते हैं इसको जो फिनिशिंग वाला काम करते हैं उसके बाद देखते हैं भाई क्या क्या करना लगे। तो यहाँ पर देख रहे हो जो बैक वाले पैनल भाई इसकी जो लुक कुछ इस तरह से आ रही है। मैं गाइस अभी आपको पीछे से दिखा रहा हूँ यहाँ पर देख रहे हो, तो इसकी कुछ इस तरह से जो लुक है वो आ रही है। बाकी यहाँ पे जो कलर घूम रहे हैं भैया कैसे लग रही है आपकी बाइक? तो भाई ऐसा वाला जो कलर कॉम्बिनेशन हुआ आई थिंक हमारे J&K में फर्स्ट पहली बार हुआ है। मैंने तो किसी ना किसी वीडियो पे देखा ना सोचा हुआ था आपने सोचा था कुछ और कराने के लिए यहाँ कुछ आने के लिए आया हुआ तो यहाँ कुछ और ही हो गया। यहाँ रोमी भाई का माइंड घूम के ये चीज जो सामने है ये चीज भाई ये देख रहे हो भाई क्या कितना प्यारा कलर का कॉम्बिनेशन है भाई। एक तो ये ऊपर से ये तो ये नेवी ब्लू और ऊपर से जो जो येलो कलर का जो कॉम्बिनेशन है एकदम बिल्कुल फीका वाला येलो, तो मतलब क्या खतरनाक इसकी लुक लग रही है। गाइस अभी आगे वाले बॉडी वो कंप्लीट करते हैं उसके बाद दिखाते हैं भाई इसकी जो फाइनल लुक। बाकी इसका जो मेन टचअप है गाइस वो तो कल ही होने वाला गाइस। तो गाइस आगे वाला जो इसके जो स्टॉक वाला स्टिकर था यहाँ पे जैसे आगे बाइजर वाला यहाँ पे देख रहे हो R15 लिखा हुआ इसके ऊपर
तो भाई ये वाला स्टिकर ये भी हमने उतार दिया हुआ है, इसकी लुक कुछ इस तरह से। तो गाइस अभी जैसे आगे वाला वाइजर है यहाँ पे देख रहे हो भाई, इसके ऊपर भी जो हमारा रैपिंग वाला वर्क है भाई ये स्टार्ट हो चुका था कल गाइस रात को, अभी टाइम हो गया था बड़ा ज़्यादा, रात के 9:30 बजे का टाइम हुआ था जो हमारी शॉप का बंद करने का टाइम था, बाकी वो पूरा हो चुका था। तो गाइस अभी यहाँ पे देख लो इसकी बाइक की जो लुक कैसे लग रही है। तो अभी आगे वाला जैसे वाइजर वाला ये वाला जैसे रैप कर रहा है तो भाई ये भी हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो लुक इसके देखो भाई ये तो बिल्कुल खतरनाक लग रही है। तो भाई अंकुश भाई यहाँ पर देख लो पूरा जो जो ये साइड में टैंक वाला पैनल की जो पूरी जो लॉक लुक वाला सिस्टम पूरा ये वाला वो कर रहे हैं, तो ये वाली आगे फिटिंग करके उसके बाद फिर दिखाते हैं इसकी जो प्रॉपर जो प्रिपरेशन है भाई वो चेक करवाते हैं ऐसे आपको। तो भाई लोग यहाँ पे आगे वाला जो वाइजर का जितना भी रैप था यहाँ पे पूरा इसको पूरा सिंगल शॉट पूरा इसको पूरा कर दिया हुआ है। तो कैसे इसकी लुक चेक कर लो अभी कैसे लग रही है, बाकी साइड से यहाँ पे देख रहे हो टैंक वगैरह सारा यहाँ फिटिंग हो चुका है, बैक वाले पैनल की पूरी यहाँ फिटिंग वगैरह हो चुकी है, आगे वाला वाइजर इसको भी रैप हो चुका था, अभी खाली इसके दो पैनल रहते हैं जैसे आगे वाला मनगार्ड और पीछे वाले जो टैंक वाले पार्ट के साथ छोटे 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 बॉडी पार्ट होते हैं बाकी उसको करना है, बाकी इसकी लुक कुछ इस तरह से आ रही है यहाँ पे देख रहे हो। तो बाकी इसके जो अंदर वाले जो बॉडी पार्ट है वो करेंगे, उसके बाद देखते हैं इसकी जो प्रॉपर जो फिनिशिंग लुक है इसकी कैसी आती है। तो वैसे आगे वाले फेरिंग यहाँ पे देख लो, बाकी ये साइड वाली जो लुक है कुछ इस तरह से लग रही है देख लो गाइस, अभी साइड से ना कुछ इस तरह से लग रही है। तो भाई वन एंड जम्मू इसके ऊपर जो रैप की जो जो कॉम्बिनेशन पूरा किया हुआ है, तो बाकी इसकी लुक चेक करो गाइस। तो वैसे अभी यहाँ से देख लो इस साइड से कुछ इसकी जो लुक कुछ इस तरह से आ रही है गाइस देख रहे हो, मतलब क्या ही खतरनाक लग रही है बाइक, इसके जो साइड वाली बॉडी जो जोड़ दी पूरी यहाँ ने। तो गाइस अभी इसकी आगे से लुक कुछ इस तरह से लग रही है, बाकी इसका आगे वाला जो मनगाड़ा ये भी चक्कर आ रहे हैं आपको, ये चक्कर हो देख रहे हो गाइस, आगे वाला मनगाड़ा इसकी लुक कुछ इस तरह से लग रही है देख रहे हो गाइस। अभी ये वाला पैनल इसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह करना है, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो चेक करेंगे, बाकी ये कलर कॉम्बिनेशन देख लो भाई क्या लग रही है। सो गाइस अभी यहाँ पर ये देख रहे हो जितने भी इसकी बॉडी सारी ऑलमोस्ट पूरी फिटिंग वगैरह हो चुकी है, तो आगे वाला जैसे भाई ये भी इसको फिटिंग वगैरह भी चल रही है। तो गाइस इसके जो आगे वाला इंडिकेटर है जो केटीएम वाले ये भी हमने इसमें लगाए हुए हैं, तो गाइस अभी इसकी लुक कैसे लग रही है, लुक मेरे ख्याल में तो भाई खतरनाक ही लुक लग रही है, साइड से जो इसकी लुक कुछ इस तरह से लग रही है। तो अलॉय वगैरह आप कमेंट सेक्शन में डालना कि इसके लिए अलॉय व्हील इसके साथ मैच करते रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई इसको जो अलॉय को पेंट है भाई वो भी करवा देंगे, क्योंकि अभी हमारा भाई का भाई बजट नहीं था भाई, उन्होंने बोला था कि हमारे पास अभी इतना बजट नहीं है तो अलॉय पेंट करवाने का, क्योंकि आपको पता अगर अलॉय को पेंट करेंगे तो उसका जो पेंट का जो प्रोसेस है कम से कम भाई एक दिन उसमें वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने जल्दी जाना क्योंकि बड़ी दूर रहते हैं भाई डोडा वाले साइड पर ये रहते हैं, क्योंकि काफ़ी 200-250 किलोमीटर पड़ता है भाई यहाँ जम्मू से, तो भाई दूसरे यहाँ से ट्रैवल करके आए हैं तो भाई थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए ये हमारा बाइक का काम है वो चल रहा है। तो अभी इसकी सीटी वीटी वगैरह फिटिंग करते हैं, उसके बाद भी जो फिटिंग प्रॉपर करेंगे, बाकी यहाँ पर स्प्लेंडर की भी जहाँ पे पी पी वगैरह करने वाले हैं स्प्लेंडर की, बाकी इसका जो काम जैसे फिटिंग वगैरह होगा उसके बाद इसकी जो फाइनल लुक वो चेक करते हैं। सो गाइस अभी फाइनल हमारा जो बाइक के ऊपर जो रैप वगैरह करना था भाई ये जो लुक चेक कर रहे हो, तो भाई कुछ इस तरह से जो बाइक हमारी लग रही है भाई क्या ही खतरनाक इसकी जो लुक है ना भाई वो लग रही है। तो गाइस इसके ऊपर जो अभी रैप करना था भाई मुझे 2 दिन का जो प्रोसेस था हमारा 2 दिन इसमें लग चुका है। गाइस अभी जैसे इसे बैग वाले पैनल से लेके टैंक तक फुल बॉडी जो रैप है पूरा किया हुआ है, तो आगे वाले जैसे यहाँ पे ये वाले इंडिकेटर हैं तो ये केटीएम वाले इंडिकेटर इसमें हम डाले हुए हैं, तो आगे वाला जो मडगार्ड के ऊपर यहाँ पर कुछ जो रैप का डबल कलर में इसका जो कॉम्बिनेशन है हमने पूरा यहाँ पर किया हुआ है, तो फ्रंट की जो लुक है कुछ बाइक की इस तरह से लग रही है। तो बाकी ये अभी यहाँ पे देख रहे हो भाई क्या लग रहा है, इसके जो फ्रंट वाला जो ग्लास है जैसे ये वाला बाइजर ग्लास इसको भी ब्लैक स्मोक वगैरह कर दिया हुई है हमने, तो इसकी जो बैक वाली टैंक वाली लुक है कुछ इस तरह से लग रही है देख रहे हो। सो गाइस इस बाइक का सारा क्रेडिट जाता है भाई अंकुश भाई को, भाई इन्होंने पूरी बाइक को खोल खाल के पूरा मतलब जो काम का जो पूरा जिम्मेदारी ने सारी भाई इनके सर पे होती है, क्योंकि बाइक खोलने से लेकर बंद करने का सारा प्रोसेस इन्हीं का होता है, बाकी अपना सारा बाइक के ऊपर जितना भी रैप सारा करते हैं। तो ये हमारे डोडा वाले भैया क्या बोलते हैं, कैसा लग रहा है भाई का वो? भैया आप मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ये काम का तो मुझे पहले से ही पता था, सोच कर तो कुछ और ही आया था, कमाल है तो वो ये आपके सामने ही है सारा कुछ जो भी है। बाकी भाई यहाँ पे देख रहे हो जो इस कलर का जो बाइक के ऊपर जो रैप भरा हुआ है भाई फर्स्ट हमारे जीएनटे में फर्स्ट पहली बाइक है जो इस कलर के कॉम्बिनेशन में जो बाइक तैयार हुई है, क्योंकि लाइट वाला येलो और जो नेवी ब्लू कलर आता है भाई पूरा दोनों का तगड़ा वाला जो कॉम्बिनेशन है वो इसमें किया हुआ था, बाकी अलॉय था इसके जो ओरिजिनल जो स्टॉक अलॉय ब्लू कलर का पेंट आता है बाकी इसमें वो पूरा किया हुआ है। तो कैसे अभी क्या करते हैं अभी एक चीज़ जो सेंटीमीटर शॉट है बाकी इन्जॉय करते हैं कैसे। मेरे दम बसी मोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार अठड़ो करता अखा दा दिला उत्ते करे कब जे आओ पोड़ वांगू जदा बंद टुकी अखड़े लोका दा दी अंगे पिंगे बोए घूमते मिंटो मिंट पट मां तू हस बल्ली केड़ा
प्लस बल्ली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बल्ली तो गाइस आज का व्लॉग ये भी एंड करते हैं। स्वस्थ मस्त रहो, खाते पीते रहो, यूं प्यार बरसाते रहो। अगर चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस मिलते हैं अपने न्यू अच्छे से मोटिवेशन के साथ। तो कीप साइनिंग अप रोमी मोटिवेट।